मुश्किलात का तो शायद शिकार हो जाए इमरान खान, ये इसमें मैं मुझे कोई किसी किस्म की खुशफहमी नहीं है या गलत फहमी नहीं है कि उसके लिए मुश्किलात ये निगरान हुकूमत और वाले करते ही रहेंगे और उसके लिए मुश्किलात खड़ी करते रहेंगे। लेकिन ये साइफर केस में तो बड़ी हजीमत होगी हमारी अपनी, और ये साइफर केस बनता ही नहीं है। एक आदमी जिसके खिलाफ ये साइफर केस नहीं बन सकता वो वक्त का वजीर आजम है जी जी, जो फिल वक्त वजीर आजम हो और वो किसी दस्तावेज़ को जो क्लासिफाइड है या साइफर की शक्ल में है उसको डी क्लासीफाई करे या डी साइफर करे, लोगों को दिखा दे, वो उसके उसकी आइनी एतबार से आइन में ये लिखा है, वो हलफ इस बात का लेता है कि वो उसका इख्तियार है और वो उस अगर नेसेसरी हुआ ज़रूरी हुआ तो वो बिल्कुल देखा उसको पब्लिक कर सकता है, डिसाइफर कर सकता है, डिक्लासिफाई कर सकता है, और वो है वज़ीर आज़म वाहिद जिसके हल्फ में ये लिखा है, या चीफ मिनिस्टर अपनी हद तक और वज़ीर आज़म अपनी हद तक और तमाम वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, पर सबसे इनमें जो आला मरतबत है वो वज़ीर आज़म है। उसको किस मामले की सज़ा दे सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं उसका, जब उसको उस पर ये वो उसका इख्तियार है कि वो जिस डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई करना चाहे जो उसके नज़र में आए जो उसकी मुताले से गुजरे वो कर सकता है, तो उसमें जो जुर्म तो बनता ही नहीं है।